कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी। नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने मिलवाने के इस क्रम में आज मैं जिन्हें आपसे मिलवाने जा रही हूं, वे हैं नलिनी जी और कमलनी जी। प्रेम और समर्पण की नगरी आगरा में दो फूल खिले जिन्होंने विश्व में अपनी कला व कौशल की महक बिखेरी। ये दो फूल थे कथक प्रवीण नलिनी व कमलिनी। सफलता एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, और एक आम सी जिज्ञासा होती है कि जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में सभी जानना चाहते हैं। और अगर हम इस जानने की प्रक्रिया को पीछे की तरफ लेकर जाएं तो शुरुआत होती है बचपन से। आपका बचपन कैसा रहा? हमारा बचपन जैसे हर एक अच्छे परिवार में बच्चों का होता है, बहुत सुखद रहा। और जहाँ तक आप ये कहेंगे कि एक सफ़र जिसे आप कहते हैं, उसमें हम सफ़र हमेशा कमलनी में हमारे साथ रही, और हम दोनों कोई भी चीज़ होती थी हमेशा एक साथ करने की उसमें तन्मयता में रहते थे। और मम्मी कई बार ये भी बोलती थी कि एक चीज़ मुझे पसंद आती थी वो इनको भी पसंद आती थी, इनको जो पसंद आती थी मुझको भी पसंद आती थी। एक समय तो हमारे घर में सब चीज़ बहुत डुप्लीकेट हो गई तो हमने कहा चलिए हम चॉइस तो एक सी रखेंगे लेकिन थोड़े कलर का डिफरेंस रख लेंगे, जिससे मतलब कलेक्शन जो होता है वो भी बहुत अच्छा बना रहे। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में रही, कलेक्शन भी रहा, रंगत भी रही। और चॉइस हमेशा इसलिए एक रही क्योंकि एक परिवार, एक गुरु का सानिध्य और एक ही स्कूल में पढ़े, हम दोनों का जन्म का जो मंथ है वो भी एक ही है, नवंबर। मैं 5th नवंबर हूँ, ये 11th नवंबर है। तो आपके लिए वो ज़ोडियाक साइन की जो एक स्पेशलिटी रहती है लगभग, वो जो मतलब लाइकिंग अनलाइकिंग चाहत और सोच वो एक सी रही। रूप स्वरूप में समान बनारस घराने के दो निपुण कथक नृत्यांगनाएं आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके नृत्य की महक व नुपुरों की खनक समूचे विश्व को गुंजायमान कर रही है। थिरकते पांवों में बिजली की गति और नृत्य में चमत्कृत कर देने वाला सम्मोहन, नृत्य को तपस्या की भांति मानने वाली इन दो नृत्यांगनाओं से ही जाने जिंदगी के सफर के प्रारंभिक वर्षों के बारे में। बचपन में तो हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या होगा, लक्ष्य का तो पता होता नहीं है। केवल ज़्यादा दिन ज़्यादा साथ बच्चों का साथ रहे तो हमारा इकट्ठा रहता था, लेकिन ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी तो ये मुझे उस ओर ले जाती थी। मुझे नृत्य की ओर था तो मैं इनको नृत्य की ओर लेके आई। तो ये स्पोर्ट्स में फर्स्ट थी तो मैं सेकंड आती थी, लेकिन नृत्य में हम लोग समानता लिए हुए हैं। और बस जो इनकी चाहती उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो मेरी चाहती उसमें इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जिसे कहते हैं ना कि एक लक्ष्य, एक ध्येय और एक विचार हमारे साथ हमेशा बंधे रहे, तो इसलिए जो नृत्य क्षेत्र में हम लोग आए, बोथ ऑफ अस वर साइंस स्टूडेंट इन द सेम स्कूल, वी स्टडीड इन कन्नड़ा स्कूल। तो उस समय जब हम लोग साइंस पढ़ रहे थे तो इनका सोचना था कि ये मेडिकल साइड में जाएंगी और मेरा इंजीनियरिंग के साइड में था। तो उसके बाद जब हम गुरुजी के सानिध्य में आए तो एक साथ डिसाइड कर लेना कि ये वाली लाइन छोड़ के हमको आर्ट साइड में आना है। मैंने हिस्ट्री में एमए किया, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में किया, लेकिन नृत्य से बंध गए। नृत्य ने हमें अपने आगोश में ऐसा लिया कि उसने छोड़ा ही नहीं और हमने भी उसको अपने पास जाने नहीं दिया। मार्ग कोई भी हो, राह की कठिनाइयां तो सभी को आती हैं, खास तौर पर यदि कोई महिला कुछ ऐसा करने की सोचे जो उसे पारिवारिक व सामाजिक रूप से सहमति न मिली हो तो कार्य थोड़ा दुष्कर हो जाता है। नृत्य भी एक ऐसी ही कला है जिसे संकीर्ण विचारधारा के लोग सम्मान नहीं देते। ऐसी स्थिति में नृत्य की साधना कठिन दिखाई पड़ती है।
वैसे असंभव तो इनके शब्दकोश में था ही नहीं। अपनी जिंदगी की सफर के उतार चढ़ाव इन्होंने सहजता से झेले तथा श्रेष्ठ नृत्याचार्य गुरु जितेंद्र महाराज के अनुशासनात्मक सानिध्य में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। क्योंकि परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई कलाकार नहीं था, बल्कि लोग कहते थे हमारे घर लोग खुद नाचने गाने बजाने आते थे। जब शुरुआत की तो बोलते थे कि ऐसी चीज मत, नॉट माय फादर बट फैमिली पीपल, द एल्डरली पीपल यूज्ड टू से कि लोग हमारे घर आते हैं और आप तुम नाच। लेकिन मुझे गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा लगा जो मध्ययुग में एक सोच थी लोगों की कि नृत्य वाद्य संगीत एक मनोरंजन की चीज़ है, ऐसा नहीं था। मुझे उनसे मिलके लगा क्योंकि उनकी आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण था, उनके बहुत बड़ी साधना की चीज़ है, संस्कार में चीज़ है, उसे एक जन्म में पाना क्या सात जन्म में भी पाना बहुत मुश्किल है। हमने जब नृत्य करना शुरू करा गुरुजी के पास से, और गुरुजी ने भी हम लोगों को पहले तो काफ़ी दिन तक कसौटी पे कसा कि इनके अंदर इतनी श्रद्धा है, गहराई है, हमारे पास आ सकेंगे, हमारी चीज़ ले सकेंगे या नहीं। तो वो उनके अट्रैक्शन के कारण हमारा उधर आना जाना शुरू हो गया और वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। फिर उसने कैसे कैसे रूप लेते चले गए वो पता नहीं चला। परिवार का सहयोग हो तो मानो गति को प्रवाह मिल जाता है। इन्हें भी इनके परिवार से पूर्ण सहयोग मिला। गुरु व माता पिता के आशीर्वाद से, अपनी लगन से और अपने अथक परिश्रम से आज ये अपना परिचय स्वयं बन चुकी हैं, जिनका कोई पर्याय नहीं। पापा यही चाहते थे, जैसे ये सामने की जो इमारत हमेशा ताजमहल दिखता था, तो वो चाहते थे जैसे ये विश्व विख्यात इमारत है वैसे मेरी दोनों बेटियां विश्व विख्यात हो। क्योंकि पापा का हमेशा कहना था आप कुछ किसी भी क्षेत्र में जाए, ही वॉज ऑलवेज एनकरेजिंग अस, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं टॉप में जाइए, कभी भी उसको मजाक के तौर पे मत लीजिए। और हमारे अंदर भी पता नहीं एक ऐसा सहज रूप से था, किसी भी जगह पे लग जाते थे तो ये सोच के कि मतलब हम बने उसी के लिए हैं, कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम एक मजाक के तौर पे उस चीज को खत्म कर दें। नृत्य कला शैली भावनात्मक चित्रण को शारीरिक विन्यास देती है और इस विन्यास में महारत हासिल है इन दो नृत्यांगनाओं को, जिनके दो जोड़ा पांव देश विदेश तक थिरक चुके हैं। रूप स्वरूप में समान नवीन एवं पुरातन शैली की अग्रणी, आज की सबसे बहुचर्चित व लोकप्रिय कथक जोड़ी विगत दो दशकों से भी अधिक समय से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय है। इन्होंने कैलाश मानसरोवर के हिमखंडों पर 17,000 फुट की ऊंचाई पर अपने कदमों की छाप छोड़ी है। इस नृत्य विधा को भक्ति से बहुत कीर्तिमान स्थापित हुए सहज रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ, उस समय किसी ने उससे पहले नहीं किया, द्योदश ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ, इन सब में नृत्य करने के बाद गत वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि हम लोग पशुपतिनाथ जी के मंदिर में नृत्य किए और उसके बाद कैलाश मानसरोवर जहाँ 18,000 की फिट में ऊंचाई में 40% ऑक्सीजन रह जाती है और नृत्य करना संभव नहीं, क्या बोलना भी संभव कई बार नहीं हो पाता जी, लोग सांस वहां से नहीं। और हमारे साथ परमात्मा आश्रम के चिता मुनि जी महाराज थे, काफ़ी संत लोग थे और शिवमणि थे ड्रम में। तो लाइव परफॉर्मेंस शिव तांडव की हमने 1 घंटे उस जगह पे करी। तो मुझे लगता है कि जिसे आप चाहें और उसके पास आप पहुंच सकें और वो जिसको आप चाहते हैं वो आपसे इतना परे हो जिससे आप सोचें कि आप उसे कभी पा नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि लोग मरने के बाद ही स्वर्ग देखते हैं, हमने शरीर में स्वर्ग भी देखा, वहाँ नृत्य भी किया और उसको अपने समक्ष पाया भी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो एक औसतन प्रदर्शन करते हैं उसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के बीच में, जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम चाहते हैं वैल्यूज बच्चों के अंदर बहुत पढ़े, क्योंकि कला एक संपूर्ण, नृत्य एक संपूर्ण चीज़ है। इन्होंने अभी उस पर एक शोध भी करा है, नृत्य संपूर्ण योग भी है। तो हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में वही इंडिजीनियस वैल्यूज़ को प्रचार करने के लिए नृत्य माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने वर्कशॉप्स की हैं। ये हमने कार्य 1984-85 में शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे यूके में कई सारे हमने प्रदर्शन करे। कई
उपाधियों व सम्मानों से विभूषित नलिनी कमलिनी को हाल ही में सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडोनेशिया, मलेशिया एवं थाई देश भेजा गया था, जहां उन्होंने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि कला धर्म, जाति एवं संप्रदाय से कहीं ऊपर होती है। हमारी भावी योजनाओं में केवल हम एक नटराज मंदिर ही बना रहे हैं दिल्ली में ही फिलहाल, तो वहाँ पे भी हम लोग सब यही योजना है कि अगर हमसे कुछ वो ही परंपरा जिसका हम लोग अक्सर जिक्र करते रहे हैं या लोग हमारे बारे में जानते हैं कि हम लोग एक बहुत गुरु शिष्य परंपरा के बहुत सपोर्टर हैं, तो उसी आधार पे हम लोग एक परंपरा को कायम रखेंगे। बका की फिक्र करो, खुद ही जिंदगी के लिए जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सुदबुद्ध बिसरा देने वाली घुंघरुओं की इस लयकारी में जीवन का तत्व छुपा हुआ है। प्रयास हमारा, नजर आपकी, कि हम आपको दिखा पाएं कि अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। आप थानिए मन में और कर दिखाइए वो जो आप करना चाहते हैं। नया व्यक्तित्व हर बार, यही समय और यही वार, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक जेवी मनीषा का नमस्कार। फसल खराब ना हो जाए। भारतीय कृषि बीमा का सुरक्षा कवच है ना। तूफान, बाढ़, सूखा, कृमि और रोगों से फसल नष्ट होने पर किसानों को दे वित्तीय सुरक्षा भारतीय कृषि बीमा कंपनी। कृषक यत्नम रक्षणम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि बीमा कंपनी।